जापान, चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्राजील में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत में भी कोविड 19 के मामले फिर से बढ़ जाएंगे। एक तरफ केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइंस जारी करनी शुरू कर दी हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रुकवाने के लिए कोविड का सहारा लिया जा रहा है। आज न्यूज़क्लिक डेकोड्स के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भारत में कोरोना वायरस की स्थिति क्या है, कांग्रेस पार्टी के आरोप क्या हैं, क्या भारत में कोरोना वापस आ रहा है और क्या आपको डरने की जरूरत है। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार 50 रुपए और महंगा, बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। एक साल पहले का यही वक्त था जब देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने शुरू हुए थे और जनवरी आते आते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रकोप देखने को मिला था। इस साल कुछ महीनों तक मामले स्थिर रहे थे, मगर अब चीन, जापान, अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में मामले नहीं बढ़ रहे हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के मुताबिक पिछले हफ्ते चीन में 244, अमेरिका में 2921 और जापान में 1687 लोगों की मौत कोविड 19 की वजह से हुई है। इन्हीं देशों में कोरोना संक्रमितों के मामले फिर से लाखों में पहुंचने लगे हैं। पिछले हफ्ते जापान में 10 लाख, अमेरिका में 4 और चीन में 1 लाख से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं भारत की बात करें तो यहां करीब 1000 मामले ही सामने आए थे। भारत में हर रोज करीब 150 मामले सामने आ रहे हैं और मौतों की संख्या भी 5 से 10 के बीच ही है। मेनस्ट्रीम मीडिया में फैलती भ्रांतियों के बीच नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI के चीफ ने कहा है कि भारत को पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में पॉजिटिविटी रेट भी हफ्ते दर हफ्ते कम ही हो रहा है। इन देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के लिए संभवतः ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 जिम्मेदार है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये वेरिएंट भारत में अक्टूबर के पहले से ही एक्टिव था और इसे खतरनाक नहीं माना जा रहा है। मगर 21 दिसंबर को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को गाइडलाइंस जारी की हैं कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग करें ताकि कोरोना के नए वेरिएंट या सब वेरिएंट का पता लगाया जा सके। इसके बाद शुरू हुआ कोविड पर राजनीति का दौर। 21 दिसंबर को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक खत लिखा। खत में कहा गया कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसके बाद से बीजेपी के कई नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस खत में यह भी लिखा गया था कि राहुल गांधी देश हित में अपनी इस यात्रा को रोक दें। सरकार ने अब एयरपोर्ट्स पर रैंडम टेस्टिंग जैसे उपाय भी करने शुरू कर दिए हैं। अब इसका जवाब देते हुए कई कांग्रेस नेताओं और खुद राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनकी यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का सहारा लिया जा रहा है। राहुल ने कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोरोना फैल रहा है, ये सब बहाने हैं, ये लोग भारत की सच्चाई से डर गए हैं। राहुल ने कहा कि कुछ भी कर लो लेकिन इनकी यात्रा कश्मीर तक जाकर ही रहेगी। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी, अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो, कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा फिलहाल दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो यही लगता है कि भारत में मामले तो बेहद कम हैं, तो क्या हमें खतरा है? आप भी यही सोच रहे होंगे कि क्या हमें कोरोना से डरना चाहिए। इन्हीं सब विषयों को समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। तो आप जो कह रहे हैं कि एक और सरकार कह रही है कि हमने और ज्यादा थोड़ा सतर्क होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कोविड की महामारी को लेकर, चूंकि चीन में फैलाव के कुछ संकेत मिल रहे हैं, कई और देशों में ठंडी का सर्दियों के मौसम होने की वजह से अनेक तरीकों की
श्वसन संक्रमक बीमारियां फैल रही हैं, उसी के बीच कोविड भी फैल रहा है, तो हमने सतर्कता बरतनी चाहिए, ये कहने में मुझे कोई गलती नहीं दिखाई दे रही। मैं तो ये कहूंगा कि पिछले महीनों में जबकि हमने महामारी को लेकर महामारी को एक तरीके से नजरअंदाजी कर दिया था, तो वो एक तरीके से गलत था। हमने सतर्क रहना चाहिए था, सतर्क रहना चाहिए है, और उस सतर्कता में हमने सर्वेक्षण जारी रखना चाहिए था, जो अभी तक हमने दोबारा सही तरीकों से शुरू नहीं किया है। हमने जीनोम सीक्वेंसिंग वायरस का जारी रखना चाहिए था और चाहिए है, लेकिन जो नए वेरिएंट निकलने की बातें हो रही हैं, अलग अलग नाम है नए वेरिएंट्स के, कई नए वेरिएंट्स को, वेरिएंट पुराना है लेकिन नाम नए दिए जा रहे हैं, इन बीच दो उनके गुणधर्मों में बहुत ज्यादा फर्क सामने नहीं आया है। एक, उनके फैलाव की रफ्तार कितनी है, और फैलाव की रफ्तार बहुत ज्यादा बदली नहीं है, काफी है लेकिन बदली नहीं है, और दूसरा उनके संक्रमण से गंभीर बीमारी होने की संभावना कितनी है, और वो संभावना बढ़ने के कोई संकेत, कोई आसार नहीं दिखाई दे जा रहे। तो इसलिए हमने डरने की, हमने यकायक बहुत चिंतित होने की कोई जरूरत सामने नहीं दिखाई दे रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक कोरोना वायरस से 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, संक्रमित होने वालों की संख्या 4 करोड़ से भी ज्यादा है। कोरोना वैक्सीन की 3 डोज इस वक्त देश में मौजूद हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पहली डोज लगवाने वाले हैं 102 करोड़ लोग, दूसरी डोज लगवाई है 95 करोड़ लोगों ने, और बूस्टर डोज 22 करोड़ लोगों ने लगवाई है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में करीब 20,000 कोविड बेड इस समय मौजूद हैं, जिनमें से करीब 30 बेड पर ही फिलहाल मरीज हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी मुश्किल स्थिति में बेड की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना किया जा सकता है। हमने पिछले 2 सालों में देखा है कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की तरफ से कई लापरवाहियां हुई हैं, जिससे कोविड प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाया था। सरकार का कहना है कि वो कई कदम उठा रही है, मगर ये तो समय ही बताएगा कि उनके कदम कितने कारगर साबित होंगे अगर कोरोना वायरस फिर से आता है तो। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए newsclick.in को, हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए और पैनिक मत कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।